દર્શન નામના યુવકને જીતુ નામના યુવકે કોલ કરી અવાવરું જગ્યાએ બોલાવ્યો હતો. બાદમાં એક ગોડાઉનમાં લઈ જઈ માર માર્યો હતો. બનાવમાં પુના પોલીસ અને સલાબતપુરા પોલીસે પણ આરોપીઓ સાથે મિલીભગત રચી દર્શનને ચોર બનાવી દઈ પીસીઆર વાનમાં પોલીસ મથકે લઈ જઈ ફટકાર્યો હોવાનું દર્શનભાઈએ આરોપ લગાવ્યો હતો. मेरा नाम सर दर्शन है जी. क्या घटना बनी थी? मेरे को, मैं परसों शाम को 8 बजे मेरी ऑफिस पे था, तो मेरे को एक जीतू भाई का कॉल आया था. बोले तुम अंजना फार्म में आओ, तुमसे काम है. मैं बोला ठीक है, जरा आता हूँ. मैं जैसे ही वहाँ पे गया, मेरे को बाइक से जैसे नीचे उतरा, तो मेरे को उन्होंने 4-5 लोगों ने पकड़ के अंदर गोडाउन में डाल के मेरे को बहुत बहुत मारा. और मेरी दो, इसमें मेरा निशान भी बन रहा है, 2 बीटी, 1 मेरी सोने की लर, वो भी उन्होंने छीन ली. 62,000 रुपया मेरे जेब में रोकड़ा था. मेरे को गाड़ी वाले को पैसा देना था. मतलब ट्रांसपोर्ट का धंधा करता हूँ, तो मुझे हमको शाम को एडवांस देना पड़ता है. बाकी मुझे सलिया से, बेल्ट से, हॉकी से बहुत मारा. उसके बाद में भी मेरे साथ में बहुत कई गंदी हरकत करी. मेरे मुंह पर थूका गया था, मुझे ऐसी एक दवा पिलाई गई थी, उसके कारण मेरा मतलब आवाज़ क्लियर नहीं निकल रहा है. उसके बाद भी मेरे को, फिर मैंने मेरे भाई लोगों को पता चला, बोले वहाँ पे ऐसी ऐसी घटना हुई है. तो मेरे भाई लोग वहाँ पे आए थे, तो मेरे भाई लोगों ने मतलब उन लोगों से, मेरे साथी लोग थे, मतलब मेरे दोस्त लोग, मेरे कारीगर लोग, तो उन्होंने उनसे बहुत काफ़ी गुजारिश किया था. तो बोले अगर तुम इसको छुड़ाने की बात करोगे, ले जाने की, तो हम तुमको भी मारेंगे. तो उन्होंने साइड में होकर 100 नंबर पे कॉल किया था. तो वहाँ पे 2 PCR बेन आई थी, एक पुना पुलिस स्टेशन की, एक सलाबतपुरा की. तो उन्होंने मतलब पुलिस से क्या बात करके, कैसे करके, मतलब मुझे मतलब चोर बोल के बोले ये चोर है. तो मुझे मतलब PCR बिठा के ले गई थी. पुलिस वाले ने भी मेरे को जगह पे दोनों ने मारा था, सलाबतपुरा वालों ने भी मारा था और पूना गांव पुलिस स्टेशन वाले ने भी. बोले तू चोर है, अगर मैं चोर होता तो मेरे हाथ कोई ऐसी चीज़ लगती कि उसको मतलब मुझे या तो पुलिस बरामद करती, या फिर मतलब या तो मेरे को कोर्ट में ले जाया करता. अगर चोर को तो कोई ऐसे नहीं चोर. रात भर मुझे पूना मतलब सलाबतपुरा पुलिस स्टेशन में बिठाया रात भर, उसके बाद में सुबह मुझे जाने दिया. आपका क्या क्या चोरी हुआ, क्या क्या माल आपसे जेब में था? सर मेरे पास 62,000 रुपया कैश थे, मेरे पास 2 बीटी थी सर, और एक मेरे गले की चैन थी सर. मारने वाले कौन थे? मारने वाला था एक जीतू था, एक का नाम रोमी था, उसके 2 साथी और थे. तो उनका मैं पहली बार उनको देखा है, मैंने उनको कभी उसका उनका नाम नहीं मालूम है मुझे. आपने इसके विरुद्ध? मैंने सर पुलिस फरियाद में कमिश्नर में गया था, कमिश्नर को मैंने अर्जी दिया है. तो उन्होंने बोला था बोले आप पुना पुलिस स्टेशन में जाके बोले आप रिपोर्ट लिखा दो. और मुझे आए हो? अभी मैं सिविल हॉस्पिटल के सामने हूँ सर, सिविल हॉस्पिटल में आया हूँ.